रीवा में बजट को लेकर बुलाई गई परिषद की बैठक 3 घंटे से अधिक चली, जहां गाय का मुद्दा उठाने के बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। सामयिकृत कर बढ़ाए जाने का विपक्ष ने जहां विरोध किया, वहीं MIC में पास होने के बाद सत्ता पक्ष के पार्षदों ने सामयिकृत कर 60 रुपए की वृद्धि का विरोध किया। सभी पार्षदों ने कर न बढ़ाने की बात कही, जिसके बाद जो पूर्व कर की राशि है वो रहेगी, साथ ही पेनाल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। किसी तरह का कर न बढ़ाए जाने पर सहमति बनी। सामयिकृत कर 60 रुपए बढ़ाए जाने का कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद राम प्रकाश तिवारी डेडू ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि कई वार्ड ऐसे हैं जहां ना तो नाली है और ना ही चलने लायक सड़क और पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, और 60 रुपए टैक्स बढ़ाया जा रहा है। पहले वार्डों में मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, उसके बाद कर बढ़ाया जाए। जिन लोगों ने ये प्रस्ताव टैक्स बढ़ाने का पास किया है, पहले उनका टैक्स बढ़ाया जाए। श्री तिवारी ने कहा कि भाजपा ने 15 वर्ष तक जनता को चूना लगाया है और MIC में कर बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है, अब परिषद में विरोध कर रहे हैं। ये जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। किसी भी तरह का टैक्स ना बढ़ाया जाए। परिषद में कहा कि गाड़ी अब कैसे गाड़ी, उस समय परिषद में 4 लोग 5 लोग मौजूद थे, क्या बात है?